When I was growing up, तो बहुत सारी कार कैटेगरीज या सेगमेंट्स नहीं होते थे. We had small hatchbacks, we had big hatchbacks, sedans, SUVs and luxury cars. पर आज इतने सारे सेगमेंट्स या सब सेगमेंट्स हो गए हैं कि कभी कभी आप किसी एक कार को देखकर सोचते हैं कि ये कौन से सेगमेंट से बिलोंग करती है. क्योंकि आजकल कार मेकर्स ने एक नया फॉर्मूला ईजाद किया है. एक ट्रेडिशनल सेगमेंट उठाइए, दूसरा ट्रेडिशनल सेगमेंट उठाइए और इन दोनों में आपस में क्रॉस करवा दीजिए और खुशखबरी, आपके घर नया सेगमेंट पैदा हुआ है. कुछ ऐसा ही हाल है क्रॉस हैचेस का, जिसमें कि एक हैचबैक को एसयूवी बनाने की कोशिश की जाती है. और ऐसी बहुत सी कार्स इंडिया में भी अवेलेबल है, जैसे सुजुकी एस क्रॉस, टोयोटा इडियोस क्रॉस और फॉक्सवैगन क्रॉस पोलो. फोर्ड के घर में भी कुछ ऐसा ही हुआ है एंड दे वांट टू कॉल दिस प्रोडक्ट अ कॉम्पैक्ट यूटिलिटी व्हीकल, जो कि अपनी बिरादरी की बाकी कार से ज़्यादा केपेबल और कॉम्पिटेंट है. पर क्या वाकई में ऐसा है, वही पता लगाने के लिए आज हम आए हैं जयपुर के आउटस्कर्ट्स सांभर में, जो कि अपने सॉल्ट के लिए पॉपुलर है. लेडीज एंड जेंटलमैन, से हेलो टू द फोर्ड फ्री स्टाइल. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिजाइन की. अगर आप रेगुलर फिगो से कंपेयर करें तो क्या कुछ बदलाव किया गया है जो इसे डिफरेंशिएट करते हैं रेगुलर मॉडल से या रेगुलर फिगो से. तो स्टार्ट करते हैं इसके ग्रिल से, जो कि हेक्सागोनल ग्रिल ही है, बिल्कुल फिगो वाली ही है, बट मैश टाइप का ट्रीटमेंट दिया गया है जो इसे थोड़ा अलग लुक देता है. हेडलैम्प की अगर बात करेंगे तो हेडलैम्प जो है वो भी फिगो वाला ही है, इसे ब्लैक इन टाइप एक ट्रीटमेंट दिया गया है. बट हमें उम्मीद थी कि इस पर्टिकुलर मॉडल में एटलीस्ट प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स फोर्ड ऑफर करेगा, क्योंकि ये ऊपर पोजीशन होगी. बट देन फोर्ड डिसाइडेड नॉट टू ऑफर दैट. पर जो एकदम नया है वो है इसका बम्पर, डुअल टोन शेप में बम्पर दिया गया है. उसके अलावा अगर आप ये सी शेप में फॉग लैम्प हाउसिंग देखेंगे, ये भी कम्प्लीटली नया टच है. उसके अलावा अगर आप बोनट देखेंगे तो ये उभरा हुआ आपको दिखेगा, ये वी शेप में आ रहा है. ये जो एलिमेंट है ये भी नया है. अगर आप साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल में मोटे मोटे चार चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे. सबसे पहला, ये जो एलॉय व्हील्स हैं ये कम्प्लीटली नए हैं. जो क्लैडिंग है, क्लैडिंग आपको लोअर पोर्शन में दिख रही होगी, ये कम्प्लीटली नई है. उसके अलावा ये जो ग्राफिक्स यहाँ पे दिए गए हैं ये भी नए हैं. उसके अलावा ये जो रूफ रेल आप देख रहे हैं जो कि कॉन्ट्रास्ट कलर में है, ये भी एकदम नया एलिमेंट है. और फोर्ड के क्लेम के मुताबिक ये सिर्फ एस्थेटिक्स अपील को बेहतर बनाने के लिए नहीं है, ये थोड़ा वेट भी ले सकती है. क्लेम के मुताबिक ये लगभग 30 किलो तक वेट उठा सकती है. ये ORVM देखेंगे तो इसमें भी कलर कॉम्बिनेशंस को अलग किया गया है. अगर आप रेयर प्रोफाइल की बात करेंगे तो रेयर प्रोफाइल में बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे. सबसे बड़ा चेंज जो आप देखेंगे यहाँ पे वो है इसका डुअल टोन बम्पर. उसके अलावा अगेन साइड में, दोनों साइड में सी टाइप का एलिमेंट देने की कोशिश की है, जो कि अगेन सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए दिया गया है, कोई यूजेबल एलिमेंट नहीं है ये. तो ओवरऑल अगर आप डिज़ाइन को देखेंगे तो आप ये जान सकते हैं कि ये फिगो पर ही बेस्ड है. यू कैन ईजिली मेक आउट कि ये फिगो पर बेस्ड है, पर कुछ एक चेंजेस की वजह से ये डेफिनेटली डिफ्रेंशिएट करती है रेगुलर फिगो से. और अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस देखेंगे तो इसे डेफिनेटली बढ़ाया गया है, क्योंकि ये एक क्रॉसओवर टाइप व्हीकल है. फ्री स्टाइल के लिए ग्राउंड क्लियरेंस अब आपको मिलता है इसके साथ में 190 mm का. तो जहां एक्सटीरियर में किए गए चेंजेस की मदद से इसे SUV-ish स्टांस देने की कोशिश की है फोर्ड इंडिया ने, इंटीरियर में भी कुछ एक चेंजेस किए गए हैं. सबसे बड़ा चेंज इस सेंटर कंसोल की जो डिज़ाइन है, इसे कम्प्लीटली नया किया गया है. और वो किया गया है इसकी वजह से, 6.5 inch का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे अकोमोडेट करना था, इसकी वजह से डिज़ाइन चेंज किया गया है. ये एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों को सपोर्ट करता है. मुझे फोर्ड इकोस्पोर्ट की भी जो टच स्क्रीन का रिस्पॉन्स था वो काफ़ी शानदार लगा था, सेम इसमें भी है, बहुत सीमलेसली काम करता है, कहीं पर भी लैगी नहीं लगती है ये यूनिट. उसके अलावा जो कैबिन है इसे डुअल टोन शेड में रखने की कोशिश की है, ब्लैक और चॉकलेट ब्राउन या डार्क ब्राउन आप बोल सकते हैं, वो इसे शेड दिया गया है. उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं 12V पावर सॉकेट आपको मिलता है, 2 USB चार्जर्स हैं और यहाँ पे आप अपना फ़ोन रख सकते हैं, काफ़ी अच्छी जगह है फ़ोन रखने के हिसाब से. उसके अलावा अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये भी एक स्टोरेज स्पेस है जहाँ पे कुछ रखा जा सकता है. यहाँ पे 2 bottles आप इजीली रख सकते हैं. ये एक और बड़ी बॉटल रखने की जगह आपको दी गई है, जिसको रियर पैसेंजर भी यूज़ कर सकते हैं. और जब स्टोरेज स्पेस की बात करें तो आपको बता दूं कि आपको ये ग्लव बॉक्स मिलता है, जो कि ठीक ठाक बड़ा है, सेम यूनिट है जो कि फोर्ड फिगो में आता है. उसके अलावा जो
ड्राइवर साइड और फ्रंट पैसेंजर साइड दरवाजे हैं, उसके अंदर आप दो बड़ी बड़ी बॉटल्स रख सकते हैं और उसके बाद भी जगह बच जाएगी, तो वो काफ़ी प्रैक्टिकल है उस हिसाब से। पर रियर पैसेंजर्स के लिए कोई भी बॉटल होल्डर्स नहीं दिए गए हैं अगर आप दरवाजों की बात करें, विच इज़ काइंड ऑफ वियर्ड क्योंकि इस सेगमेंट में ऑलमोस्ट सभी कार्स में आपको वो मिलता है। उसके अलावा अगर आप स्टीयरिंग व्हील देखेंगे तो स्टीयरिंग व्हील वही यूनिट है जो कि आपको फोर्ड फिगो में मिलती है। यहाँ पर पियानो फिनिश का इस्तेमाल हुआ है और एक जो मुझे इससे शिकायत है कि बहुत ही बेसिक सी यूनिट लगती है, लेदर से रैप नहीं किया गया है। एक और चीज़, आप इसे सिर्फ टिल्ट एडजस्ट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक तरीके से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। और जहाँ तक सीट्स की बात है, फ्रंट सीट्स की बात है, तो वो बिल्कुल फोर्ड फिगो के जैसी ही है, विच मीन्स आप किसी भी साइज़ के हों यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ये इजीली एकोमोडेट कर लेगी और काफ़ी कंफर्टेबल सी सीट्स हैं। थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा है और आप इसे अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं मैन्युअली। तो जहाँ फोर्ड फ्री स्टाइल की फ्रंट सीट्स काफ़ी सॉर्टेड है हर तरीके के साइज़ के लोगों के लिए, पर रियर सीट अगर आप देखेंगे तो एवरेज अगर आपकी हाइट है, एवरेज इंडियन अगर आपकी हाइट है, तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा खासा लेग रूम और नी रूम आपको मिलता है, इनफैक्ट हेडरूम भी ठीक है। पर अगर आपकी हाइट 5'11" या 6 फुट के आसपास है और अगर आप अपराइट बैठते हैं तो उस केस में आपका सर टकराएगा या फिर ब्रश होगा रूफ पे, तो वो एक इम्प्रूवमेंट हो सकता है। और जो थाई सपोर्ट है, थाई सपोर्ट भी बहुत अच्छा नहीं है, इनफैक्ट इसी सेगमेंट में आपको और बेहतर व्हीकल्स मिल जाते हैं इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में। तो जहां रियर सीट में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, पर एक ऐसा एरिया है जिसमें फोर्ड ने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है, इनफैक्ट बाकी सब मैन्युफैक्चरर्स को उनसे सीखने की ज़रूरत है, और वो है सेफ्टी। आपको फोर्ड फ्री स्टाइल के साथ में 6 एयरबैग्स प्लस एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम प्लस इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन प्लस ट्रैक्शन कंट्रोल प्लस इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जैसे फीचर्स मिलते हैं। और एक और यूनिक फीचर ऐड किया गया है जिसे कि फोर्ड बुला रही है एक्टिव रोल ओवर प्रोटेक्शन। एंड बिफोर यू आस्क मी व्हाट इट डज, कैसे काम करता है, तो ये ESP या इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम के साथ में मिलकर काम करता है। इन केस आपकी गाड़ी रोल होने वाली है तो उस वक्त ये इंडिविजुअल व्हील्स में ब्रेक अप्लाई करता है और इंजन की जो पावर है उसे भी कम कर देता है जिससे कि आप रोल ना हो, एंड दैट डिजर्व्स अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। एंड नाउ द की फीचर्स, तो आपको फोर्ड फिगो के साथ में बहुत से एडवांस फीचर्स ऑफर किए गए हैं और उनकी लिस्ट आपको यहां पे स्क्रीन पे दिख रही होगी। Here we go once again for a marriage nightmare. All your worries gonna be alright. And now the bit you all are waiting for, performance, जो कि इस कार का है सबसे खास aspect भी। मैंने सबसे खास aspect इसलिए बोला है क्योंकि अगर आप इसे फीगो से compare करेंगे, फीगो hatchback से जिस पर ये base है, तो सबसे बड़ा बदलाव इसमें under the hood किया गया है। That means engine जो है इसका वो completely नया है। एक brand new 1.2 liter 3-cylinder naturally aspirated engine इसे मिलता है जो कि उसी Dragon family से है जिसका कि पहला engine EcoSport में debut हुआ था, और वो एक 1.5 लीटर इंजन था, ये एक 1.2 लीटर इंजन है। और ये इंजन लगभग 96 bhp की मैक्सिमम पावर और 120 न्यूटन मीटर्स का मैक्सिमम टॉर्क निकालता है जो कि इसे किसी भी 1.2 लीटर इंजन से ज़्यादा पावरफुल बनाता है। मतलब ये सबसे पावरफुल 1.2 लीटर इंजन है इंडिया का ऑन पेपर। एक और चीज़ चेंज है इसमें, और वो है इसका नया 5-speed गियरबॉक्स जो कि काफ़ी स्मूथ है ये गियरबॉक्स। अगर आप पुराने वाली फिगो आपने चलाया होगा तो वो थोड़ी सी रबरी फील होती है, ये कंपैरेटिवली ज़्यादा स्मूथ है। मैं अभी भी ये नहीं बोलूँगा कि ये बेस्ट इन क्लास है, पर ये काफ़ी स्मूथ हो गई है। जहाँ तक इंजन की बात है तो इंजन वो इनिशियल पंच जो आप एक्सपेक्ट करते हो फोर्ड फिगो डीजल से, वो आपको इस पेट्रोल इंजन में नहीं मिलेगा। थोड़ी सी लेजी हो सकता है आपको इनिशियली लगे, पर ये एक फैक्ट बात है कि इस इंजन में बहुत पंच है, मिड रेंज काफ़ी पावरफुल है और हाई रेंज भी ठीक है। स्पेशली अगर आप इसे 3000 rpm के ऊपर चलाएं, 2800-3000 rpm के ऊपर चलाएं, तो आप इसे काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। और इनफैक्ट जब तक रेड लाइन नहीं आती है जो कि लगभग 6800 या 6900 के आसपास आती है, तो वहाँ तक आपके पास में इनफ पावर है और हर गियर में आपके पास में इनफ पावर मिलती है। आपको कभी स्पेशली मिड रेंज में आपको नहीं लगेगा कि ये इंजन कहीं से भी कम पावरफुल है, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। एक और चीज़ जिसने मुझे
काफी इंप्रेस किया है और वो है कि इस इंजन को जिस हिसाब से ट्यून किया गया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये एक 3-सिलेंडर इंजन है और यूजुअली आप 3-सिलेंडर इंजन जो भी होते हैं उसमें आपको वो वाइब्रेशंस फील होते हैं जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, या इनफैक्ट अगर आप लो आरपीएम्स पर चला रहे हैं तभी भी आपको वो वाइब्रेशंस फील होते हैं, पर इस पर्टिकुलर इंजन में आपको वो ना के बराबर लगेगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्यून किया गया है। इनफैक्ट अगर आप लो, बहुत ही लो स्पीड्स पर भी चला रहे हैं तो कहीं पर भी आपको वो टिपिकल 3-सिलेंडर वाली फील नहीं आएगी और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल मैं 4th गियर में जब इसे चला रहा था तो मैं इसे एज लो एज 1000 RPM तक अगर मैं इसे लेके गया तो भी इस इंजन ने कोई परेशानी नहीं दिखाई। दैट मीन्स ये सिटी के लिए बेहद ही बेहतरीन साबित होगा। मतलब आपको फ्रीक्वेंटली गियर्स चेंज नहीं करने पड़ेंगे। आप अगर हाई गियर्स में भी अगर लो स्पीड्स भी चला रहे हैं, रिलेटिवली वेरी लो स्पीड्स, तो भी आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। फोर्ड फीगो के 1.2 लीटर 4-सिलेंडर इंजन से कंपेयर करें तो ये ऑलमोस्ट हर लिहाज से उस इंजन से बेहतर है। अकॉर्डिंग टू मी फोर्ड डेफिनेटली नाउ हैज एन इंजन सीरीज दैट दे कैन बी प्राउड ऑफ। एंड देयर इज अ डीजल मॉडल एज वेल जिसे पार करता है फोर्ड फीगो का ही 1.5 लीटर TDCI यूनिट जो कि लगभग 99 bhp की मैक्सिमम पावर और 215 न्यूटन मीटर्स का मैक्सिमम टॉर्क निकालता है और इस मॉडल को भी हम जल्द ही रिव्यू करेंगे। राइडो हैंडलिंग फोर्ड कार्स की हमेशा से एक बड़ी स्ट्रेंथ रही है और वो आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। राइड काफी कंपोज है डिस्पाइट द फैक्ट कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस रेगुलर फीगो से लगभग 16 mm ज्यादा है, 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। तो यूजुअली अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाते हैं तो आपको थोड़ा बाउंसी राइड फील होती है, वो मुझे जेन्युइनली बहुत फील नहीं हुई है। काफ़ी कंपोज है, काफ़ी काम है इसकी ओवरऑल राइड, हर तरीके के अंडुलेशंस का भी ये इजीली ध्यान रख लेती है और उसके लिए अगेन क्रेडिट जाता है फोर्ड की इंजीनियरिंग टीम को। दे हैव ट्यून्ड द सस्पेंशन प्रीटी वेल। आप बहुत सी कॉम्पैक्ट एसयूवी में भी वो कमी फील करते हैं कि अगर ख़राब रास्ते आ जाते हैं तो आपकी राइड बहुत ज़्यादा बाउंसी हो जाती है या फिर सस्पेंशन ईदर टू सॉफ्ट होता है या फिर टू हार्ड होता है। ये एक फाइन बैलेंस है कि आपको ये कंफर्टेबल रखेगा सिटी स्पीड्स के हिसाब से, और अगर ख़राब रास्ते हैं तो उनका भी ध्यान रख लेगा और हाईवेज पर भी आपकी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने में मदद करेगा। हम इसे ट्रिपल डिजिट स्पीड्स में हमने गाड़ी को चलाया है और कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं आई है, काफ़ी स्टेबल हमें ये गाड़ी लगी है। जहाँ तक स्टेयरिंग सेटअप की बात है तो ये फोर्ड फीगो के जैसा ही लगेगा आपको ओवरऑल फील में, हालांकि इसे थोड़ा भारी किया गया है जो कि आपको हाईवेज पर थोड़ा कॉन्फिडेंस देता है जो कि पुराने वाले में या फिर रेगुलर फीगो में मिसिंग था, तो दैट हैज़ बिकम बेटर फॉर श्योर। पर ओवरऑल अगर आप फीडबैक की बात करें तो फीडबैक अभी भी इम्प्रूव हो सकता है, बट फिर भी मैं ये कहूँगा कि ये अपने सेगमेंट की सबसे अच्छी हैंडलिंग वाली कार्स में से एक है। एंड नाउ बिफोर यू आस्क मी कि इसका माइलेज कितना है, क्या फ्यूल एफिशिएंसी है, तो आपको बता दूं कि कंपनी के क्लेम के मुताबिक ये 19 kmpl का माइलेज आपको देगी इसका जो पेट्रोल मॉडल है, बट ड्यूरिंग आर टेस्ट इसने लगभग 12.5 से 13 kmpl का माइलेज दिया है जो कि आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि हमने ज़्यादातर ख़राब रास्तों पर ही चलाया है जिसमें कि एवरेज स्पीड बहुत कम होती है क्योंकि उबड़ खाबड़ वाले रास्ते रहे हैं या चैलेंजिंग रास्ते रहे हैं। हमने सांभर में इसे टेस्ट किया है, पर जैसे ही हाईवेज पर लेकर हम इसे तो इसका फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव हुआ, तो ऑन एन एवरेज आई थिंक ये आपको लगभग 15 kmpl का माइलेज इजीली दे देगी। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन जिससे कि हमने इस रिव्यू की शुरुआत की थी कि क्या फोर्ड फ्री स्टाइल अपने सभी कॉम्पिटिटर्स से ज़्यादा कॉम्पिटेंट या कैपेबल है, वेल आंसर टू दैट इज अ बिग यस। ये अपने सभी कॉम्पिटिटर्स या इनफैक्ट जो भी हैचबैक बेस्ड क्रॉसओवर्स इंडिया में बेचे जाते हैं उनमें सबसे कैपेबल प्रोडक्ट है, स्पेशली अगर आप खराब रास्तों पे इसकी कैपेबिलिटी की बात करें। साथ ही साथ जो सिटी में आपको ड्राइवेबिलिटी चाहिए होती है या सिटी में जो ईजीनेस चाहिए होती है किसी भी कार में, वो भी आपको प्रोवाइड करती है और उसका क्रेडिट जाता है फोर्ड के नए 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन को जो कि अपने सेगमेंट में सबसे रिफाइंड इंजन में से एक है। और इनफैक्ट जो फोर्ड के अभी तक सारे क्रिटिक्स होते थे कि उनके पास कोई भी कैपेबल स्मॉल इंजन नहीं है, आई थिंक दिस न्यू इंजन इज आंसर टू दैट एज वेल। आई नो मैंने अभी तक इसकी प्राइसेस आपको नहीं बताई है, वो इसलिए क्योंकि इसे अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है, इसे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा, अप्रैल एंड तक या मई 1st वीक में इसे लॉन्च कर दिया जाएगा।
और जहां तक प्राइसेस की उम्मीद है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये लगभग 6 लाख से लेकर 9 लाख के बीच में प्राइस होगी।